नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। देवघर के नगर थाना अंतर्गत काली रखा मोहल्ले में सोमवार की शाम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी की इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस घटना को अपराधियों द्वारा घर में घुसकर अंजाम दिया गया। गोलीबारी की इस घटना में मां सहित बेटे की मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल फैला हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमित सिंह नामक युवक और उसकी मां को घर में घुसकर गोली मार दी गई। गोली लगने की वजह से मां की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि अमित सिंह की मौत इलाज के क्रम में बाहर ले जाने के दौरान हो गई। आपको बताया जा रहा है कि अमित सिंह के पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और कुछ दिन पहले ही वह जेल से छूटकर बाहर निकला था। ऐसे में वारदात को किस मकसद से और किसने अंजाम दिया है, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। बहरहाल गोलीबारी की हुई वारदात के बाद देवघर पुलिस की कार्यशैली पर बरस सवाले निशान खड़ा हो रहा है। बहुत रात में यही दिक्कत, दोनों को गोली मारा गया है कि घर में घुस के, एक महिला है और एक लड़का है जो गोली मारा गया है और दोनों को अस्पताल लाया गया है। हम तहकीकात कर रहे हैं कि घटना क्यों घटी है और घटना करने के पीछे किसका हाथ है, छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खर्चा मौत किस प्रकार से मौत, तो प्रथम दृष्टा मौत दिख रही है। डॉक्टर ने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों की मृत्यु हो गई है। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।